नमस्कार बागवान भाइयों, आज मैं आया हूँ ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के एप्पल ऑर्चर्ड में। काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर है ये, टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के माध्यम से फार्मर्स की नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, तो इनसे इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके माध्यम से बागवान भाइयों से भी रूबरू हो सकूं। सर, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में कि आपकी जो जॉब थी वो किस में करते थे आप, और उसके बाद जॉब के बाद आफ्टर रिटायरमेंट आपने जो ये नई प्लांटेशन की है रूट स्टॉक की, वो किस तरह से की और आपको क्या उसमें फ़ायदे हुए? मैं बिजली बोर्ड में बतौर चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ अगस्त 2012 में। हाँ जी, क्योंकि ये मेरा पैतृक पेशा भी था और मैं ये सारा श्रेय बागवानी का अपने स्वर्गीय दादाजी को देता हूँ, जिनकी बदौलत मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं अपनी ज़मीन से जुड़ सका और आज इस योग्य हुआ कि मैं आप लोगों के समक्ष इस उम्र में भी इस जज्बे के साथ हूँ कि मैं शायद नौजवानों को टक्कर दे सकता हूँ। तो ये मैंने 2012 में जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे बखोल के संजय चौहान जी, जो आजकल ब्लूम के द्वारा बहुत छाए हुए हैं, हाँ जी, उनसे मेरा परिचय हुआ। तो उन्होंने मुझे एक बगीचा दिखाने की पेशकश की, जिसे मेरे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं उस बगीचे के मालिक से बेहतर करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ज़मीन है वो उस इस समय जहाँ हम खड़े हैं, हाँ जी, ये प्लॉट बिल्कुल खाली था, हाँ जी, और मैं इसमें सब्जी वगैरह और फ्लोरिकल्चर यानी वो करना चाहता था, क्या कहते हैं उसको, पॉली हाउस टाइप का। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये जगह पॉली हाउस के लिए भी ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो बागवानी की तरफ है। तो जब मुझे लगा कि बागवानी की तरफ मुझे जाना चाहिए, तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया, ये देखा कि इस समय ट्रेंड क्या है, हाँ जी, रूट स्टॉक है, सीडलिंग है, और क्या बेस्ट है। तो मुझे M9 उस टाइम के मुताबिक M9 रूट स्टॉक पे अच्छा लगा। फिर इसकी अवेलेबिलिटी के लिए जब मैंने हाथ पैर मारे, तो पहली तो हमारी नज़र जाती है यूनिवर्सिटी पे। हाँ जी, हाँ जी, तो यूनिवर्सिटी तो जैसा कि आपको विदिती है कि रूट स्टॉक पे कोई काम नहीं करती है, सिवाय सीडलिंग के उसके। तो फिर खोजते खोजते मुझे रजत बायोटेक का कांटेक्ट हुआ, मिला, फिर उनसे बातचीत हुई, मैं गया, मैंने देखा, समझा, और ये जो ऑर्चर्ड है M9 पे जो मैंने लगाया है, ये रजत बायोटेक से ही मैंने प्लांट मटेरियल लिया था और आज ये 6 साल का हो गया है। ये सारा M9 पे है, और इस पे मैंने पहले तो सिर्फ प्लांट मटेरियल लिया, जो इस पे हमने ग्राफ्टिंग की है वो सारे का सारा सुपर चीफ है, और ये विजय स्टोक्स जी के थानाधार से हारमनी हॉल वालों की से लिया है ये सारा। तो इसमें भी दो वैरायटी थी, एक US की, एक शायद इटली की या फ्रांस की है। हाँ, वो ऐसा बताते हैं, मैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी कुछ एक प्लांट्स हैं यहाँ पे जो थोड़े से लेट मैच्योरिंग है, उसको बोलते हैं कि जी ये फ्रांस का है, और ये ज़रा अर्ली मैच्योरिंग होता है, जिसके जो आप देख ही रहे हैं लाल हो गया हुआ है। हाँ जी, और लेकिन इसमें मैंने जो पाया है ये लाल तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन जो फ्रांस वाला है वो थोड़ा लेट मैच्योर होता है, लेकिन उसकी जो फ्रूट क्वालिटी है, जो शेप है, वो बहुत अच्छी बनती है इस पे M9 पे। जो आपका जैसे पुराना ऑर्चर्ड था, जितने भी 20 से 25 फुट में थे लगे हुए, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए कि आप रूट स्टॉक M9 पे शिफ्ट हुए? चैलेंजेस तो ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक शौक था, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि रूट स्टॉक जब हम लोग कहीं बात करते हैं, क्योंकि अब मेरा भी बहुत लोगों से मिलना जुलना हो गया, कई एक्सपर्ट्स भी आए, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक रूट स्टॉक जो है हमारे लिए फिट नहीं, क्योंकि रूट स्टॉक में एक तो ये शैलो रूटेड होता है। हाँ जी, तो बाहर जो भी, जहाँ पर भी रूट स्टॉक को
प्रयोग किया जाता है वहाँ पर जो ग्राउंड में वाटर टेबल है वो बहुत हाई है। हमारे यहाँ पर तो पानी बहुत नीचे चला गया हुआ है, तो इसलिए दूसरे हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं, हम रूट स्टॉक के लिए कहाँ से पानी लाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने किस तरह मैनेज किया है? मैंने आप देख ही रहे हैं, मैंने अभी तक 6 साल हो गए हैं। हाँ जी। ना इसमें ड्रिप लगा है। हाँ जी, हाँ जी। ना ड्रिप लगाई है, ना मेरा कोई आगे इसमें ड्रिप लगाने की इच्छा है। जो भी मैं इसमें कर रहा हूँ वो बिल्कुल देसी तकनीक से कर रहा हूँ। जिस तरह से सीडलिंग में करते थे हम। जिस तरीके से सीडलिंग में, क्योंकि न्यूट्रिशन देने का भी मेरा वही जैसे सीडलिंग में, जैसा सीडलिंग में। तो आप मल्चिंग मैट भी यूज़ नहीं करते? नहीं, मल्चिंग मैट भी मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मल्चिंग मैट के नीचे जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो जीवाणु है, हाँ जी, वो थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं अगर मैट लगाते हैं। अगर मैट लगाते हैं तो आप मल्चिंग इसकी घास की मल्चिंग। और अब पिछले साल भी मैंने यूज़ किया, इस साल भी मैं डीकम्पोजर की स्प्रे कर देता हूँ ऊपर से डाल देते हो। उससे ये चीज़ मैंने देखा है कि एक तो सॉइल की क्वालिटी चेंज हो गई है। हाँ जी। 20 रुपये का डीकम्पोजर आपको बहुत सी चीज़ें दे जाता है, और दूसरे सॉइल की क्वालिटी के साथ साथ इसमें जो हमारे लिए जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपका वो तोता मामा जो बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुतायत में इसमें देखने को मिलेगा। और उससे आप देख सकते हैं कि मेरे बगीचे में ना कहीं वूली एफिड है, हाँ जी, हाँ जी, ना कहीं माइट है। हाँ जी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने मतलब आज तक काफ़ी साल हो गए, वैसे तो मैं 2007 से ऑर्गेनिक पे हूँ। ऑर्गेनिक पे हूँ। मैंने सारा कुछ किया, पंचगव्य तक की स्प्रे की, खुद बनाकर पूरा रिसर्च करी, और अच्छा भी है, ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हमें बेसिकली एक ही चीज़, अगर अपने ऑर्चर्ड को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है तो आपको पहले सॉइल का जो टेक्सचर है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करना। हाँ जी। क्योंकि जब तक आपके इस सॉइल ही जीवंत नहीं हो जाती, जिसको कि हमने केमिकल यूज़ कर करके बिल्कुल सीमेंट में तब्दील कर दिया है। हाँ, ये निर्जीव हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो इसमें आपके जीवाणु होते हैं, असंख्य जीवाणु हैं। हाँ जी। तो जब तक वो ही नहीं होंगे तो फिर आप प्लांट को क्या देते रहेंगे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि केमिकल इज नो फूड फॉर द प्लांट। ओके सर। तो जब हम उस थ्योरी को देखते हैं, बात भी ठीक है, हम अपने चारों तरफ जब जंगल देखते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ जंगल भी बहुत आयत में है। हाँ जी। तो जंगल में किसी ने कोई ना स्प्रे करता है। हाँ जी, नहीं, ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करता है, लेकिन उन पेड़ों को देख के तबीयत खुश हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस ओर जाएं, हालांकि इसको प्रिमिटिव प्रागैतिहासिक सोच कहेंगे आप इसको, लेकिन ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने बीमारियों को भी बहुत सारा निमंत्रण दे दिया। हाँ जी, हाँ जी।